तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड के ट्यूटोरियल वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको आज की इस वीडियो में सिंगल वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड को डाउनलोड करना होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड को डाउनलोड करना होगा। याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, ये दोनों में काफी ज्यादा अंतर है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख सकते हैं विजुअल कोड या फिर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड। याद रखिए स्टूडियो और कोड में डिफरेंस होता है। आप जैसे ही विजुअल कोड लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही एक एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाता है। आप यहाँ सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप इसे बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल करना कोई मामूली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बराबर है। आप इसको बड़े आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो कुछ इस तरीका का इंटरफेस आपको दिखेगा। विजुअल कोड, विजुअल स्टूडियो कोड जब आप इसे डाउनलोड करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल सकता है। आपने यदि पहली बार इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसे इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल किया हूँ आपको बताने के लिए। इंस्टॉल मैंने किया हुआ था एक बार आपको बताने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर रीसेंट प्रोजेक्ट मेरा दिखा रहा है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको फाइंड एंड रन ऑल कमांड्स पर आप जैसे ही जाते हैं तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम का शॉर्टकट कीज और बहुत सारी चीज़ें आपको एट अ ग्लेंस मिल जाती हैं एक ही बार में, और उन सारी चीज़ों का सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप जाते हैं इंटरफेस ओवरव्यू में तो यहाँ पर आपको सारे शॉर्टकट्स कीज मिल जाते हैं, आप इसे देख सकते हैं। और आप इसे ज़्यादा रटिए नहीं, आपको मतलब आप इसे क्रैम नहीं कर सकते हैं, आप समय के साथ इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे। बस आपको ध्यान में रखना है कि फाइल एक्सप्लोरर, सर्च अक्रॉस फाइल, सोर्स कोड मैनेजमेंट, लॉन्च एंड डिबग, मैनेज एक्सटेंशंस और सारे कमांड्स कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से आप देख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी आप क्लिक करके मैनुअल देख सकते हैं। यहाँ टॉगल इंटीग्रेटेड टर्मिनल कंट्रोल प्लस ये सारी चीज़ें, और व्यू एरर्स एंड वार्निंग्स ये सब आप चूज कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ये सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप लर्न नहीं कर सकते हैं, आपको लर्न करना भी नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बहुत ही सारे शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, और आप यहाँ सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स जैसे कमांड पैलेट का, यदि आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको देखने कमांड पैलेट का तो यहाँ आप कमांड पैलेट देख सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप जोड़ सकते हैं कमांड पैलेट के लिए। यदि आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स जैन मोड के लिए देखना चाहते हैं, जैन मोड क्या होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे ही वीडियो में जैन मोड के लिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स कंट्रोल प्लस के जेड आप प्रेस कीजिएगा तो आपको जैन मोड में ओपन हो जाएगा। क्या होता है जैन मोड मैं आपको बताऊंगा, और आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी आप जिसे चेंज करना चाहते हैं उसको प्रेस करके आप बड़े आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेंज ना ही कीजिए तो सही है, या फिर आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और आप इन सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स को आप यहाँ JSON में देख सकते हैं, ये जावा स्क्रिप्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स। आप वहाँ कुछ चेंजेस करेंगे तो बेसिकली ये JSON फाइल में वो चेंजेस होने लगते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखना होता है। तो ये कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स थे जो हम लोगों को याद करना होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझें, इन सारी चीज़ों को देखें। एक एक करके मैं सारी चीज़ों को आपको बताऊँगा। और यहाँ पर कलर थीम पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप बहुत सारे थीम्स को चूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइट
यदि आप चूज़ करना चाहते तो कुछ इस तरीका का हो जाएगा, और यदि आप डिफ़ॉल्ट लाइट चूज़ करना चाहते तो ऐसा हो जाएगा, और सोलराइज लाइट पर चूज़ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और मोनोकाई आप चूज़ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि आप अलग अलग डिफरेंट थीम चूज़ कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट डार्क चूज़ कर लेता हूँ, आप अपने अनुसार से चूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होना होता है आप कर सकते हैं बड़ा आसानी से। यहाँ जाने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये सब मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर हेल्प विंडो में जाने के बाद आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। आप यहाँ प्रिंटेबल कीबोर्ड चीट सीट पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको सारे के सारे जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप यहाँ पर इसे प्रिंट करके अपने घर की दीवारों में चिपका सकते हैं ताकि जब कभी भी आपके यहाँ पर नजर जाए तो बिना रटे आपके दिमाग में ये सारी बातें रहे कि ये कंडीशन आएगा तो मुझे कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करना है। एट एनी कॉस्ट आप इन सारी चीज़ों को रटिएगा नहीं, बिना मतलब का क्रैम करने का कोई फायदा नहीं है। इन सारी चीज़ों को सीखना काफी ज्यादा जरूरी है और समय के साथ एक्सपीरियंस के साथ आपको हो ही जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे और कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगे। गिटहब में आप यहाँ पर इसकी कम्युनिटी को ज्वाइन करके बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं और मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर सब चीज सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये हो गया हम लोगों का वेलकम स्क्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है विजुअल स्टूडियो कोड में। चलिए अब मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करके आपको बताता हूँ कि इसमें फाइल कैसे क्रिएट किया जाता है। फाइल क्रिएट करने के लिए बेसिकली आपको ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है और यहाँ पर बेसिकली आपको भी फोल्डर बना लीजिए। जैसे मैं बना लेता हूँ माई ट्यूटोरियल वीडियो ऑन VS नाम का मैंने फाइल बनाया। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं बेसिकली इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगे जैसे कि न्यू फाइल ओपन फोल्डर ये सब आपको मिलेंगे और आप बहुत सारी चीज़ों को मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर माई पाइथन ट्यूटोरियल में जाने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर न्यू फोल्डर क्लिक कर सकते हैं और रिफ्रेश कर सकते हैं और यहाँ पर आप कोलैप्स कर सकते हैं एक्सप्लोरर के साथ। तो मैं यहाँ पर बेसिकली एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, प्लस पर क्लिक करके पाइथन के बिहाफ में मैं आपको सिखाऊंगा विजुअल स्टूडियो कोड, तो इसलिए मैं main.py से चूज कर लेता हूँ। जैसे ही मैं main.py चूज कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप बड़े आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोड्स वगैरह आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता होगा, तो इसके लिए आप जूम इन जूम आउट बड़े आसानी से अपने स्क्रॉल व्हील के साथ कर सके। इसके लिए आपको अपने सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली माउस करके सर्च करना है माउस व्हील। जैसे आप यहाँ माउस व्हील पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जूम पर क्लिक करना है। तो जैसे ही जूम पर क्लिक करते हैं तो आप बेसिकली सारी चीज़ों से मतलब जैसे ही आप फिर जूम पर जाते हैं तो यहाँ पर आप बड़े आसानी से स्क्रॉल व्हील के मदद से चीज़ों को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ तो आप जैसे मैंने यहाँ इम्पोर्ट OS पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप बड़े आसानी से इन चीज़ों को लिखे हुए चीज़ों को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अब यहाँ पर जब आप सेटिंग पर आते हैं तो दो तरीके के सेटिंग आपको दिख रहे हैं और दोनों ही सेम दिख रहे हैं। आखिर ये दो सेटिंग क्या होते हो, यूज़र और वर्क स्पेस की सेटिंग। सबसे पहले यूज़र जान लीजिए, यूज़र यानी जो भी बंदा इस विजुअल स्टूडियो कोड को जो आपने डाउनलोड किया इंस्टॉल किया है यूज़ करेगा उसको यूज़र कहते हैं, और पूरे के पूरे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़र के लिए सेटिंग बदलने के लिए जो आप चेंजेस करते हैं वो यूज़र सेटिंग कहलाता है। और बाय दैट टाइम आप जो पेजेस पर वर्क कर रहे हैं, जिस फोल्डर पर वर्क कर रहे हैं उसके लिए आप चेंज करना चाहते हो तो आपको वर्क स्पेस की चेंजेस करनी होती है। तो उम्मीद है आपको ये दो चेंजेस समझ में आया होगा, और आने वाले वीडियो में और इसी समय में मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा इन सारी चीज़ों से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये यूज़र और वर्क स्पेस की सेटिंग आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आप जैसे ही पाइथन पर काम करते हो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन जो कि आपको मेरे ख्याल से आप रखना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन आपको यूज करना ही चाहिए पाइथन के लिए, जिसको कि हम लोग पाइथन एक्सटेंशन कहते हैं। बेसिकली आप एक्सटेंशन टैब पे जाइए, इन सारी चीजों को ये पांच आइकन
तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। ये पांच आइकन होता क्या है, आप यहाँ पर बेसिकली इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर बेसिकली आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप यहाँ पर मैं इसे अनइंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते कुछ इस तरीका से आपको मतलब इंस्टॉल का बटन दिखेगा। आपको यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ इंस्टॉल करते तो ये बड़े आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, यदि आप वर्क कर रहे हैं पाइथन में तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये हो गया हम लोगों का पाइथन का प्रोग्राम कि किस तरीके से रन मतलब किस तरीके से सेटअप किया जाता है। पाइथन के लिए मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ। अब यहाँ बेसिकली मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे प्रिंट, मैं बेसिकली पाइथन का एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, और फिर जैसे ही मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ, स्मॉल ब्रैकेट लगाता हूँ, ये तुरंत ही समझ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, हम लोगों ने जब पाइथन में एक कोड लिखा जिसमें हम लोगों ने पाइथन में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया। अब मैं आपको बेसिकली ये बताने वाला हूँ कि किस तरीका से आप इस पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए बेसिकली राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रन कोड इन टर्मिनल। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपका कोड जो है वो रन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको रन बटन दिख रहा होगा। यहाँ पर भी क्लिक करने के बाद आप अपने पाइथन के कोड को बड़ा सिंपल तरीका से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपके इस साइड में शायद ही रन कोड का ऑप्शन विजिबल हो या ना हो। यदि नहीं है तो आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है कोड रनर। आप यहाँ कोड रनर सर्च कर सकते हैं एक्सटेंशन में, और फिर उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर आपके अनइंस्टॉल इंस्टॉल का ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करके कोड रनर एक्सटेंशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब कभी भी मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ मैं इस कोड को रन किया, तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड के नाम से कोड जो है वो रन है। लेकिन उससे पहले भी आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड नाम का बहुत सारा जो आउटपुट है जो हम लोगों ने रन किया था वो बार बार उस चीज को फेच कर रहा है, उस चीज को उस डेटा को फेच करके वापस आपको नया आउटपुट दिखा रहा है। उस पुराने आपका जो आउटपुट है वो काफी ज्यादा अलग हो सकता है, और आपका जो नया आउटपुट है आप उसको ऑप्टेन नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये प्रीवियस आउटपुट को भी लेकर चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं यहाँ पर कुछ भी एक नया प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर इम्पोर्ट ओएस, मैं यहाँ सिंपली एक वेरिएबल ले रहा हूँ जो कि एक इंटीजर वेरिएबल रहेगा, ब्रैकेट में बेसिकली लिखूंगा इनपुट, और फिर वापस ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा एंटर फर्स्ट नंबर। सेम उसी तरीका से मैं दूसरा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मैं दो नंबर को ऐड करने वाला सिंपली प्रोग्राम बना रहा हूँ। यहाँ मैं कर देता हूँ एंटर सेकेंड नंबर। मैं यहाँ पर सम के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, सम इक्वल टू ए प्लस बी। सम को प्रिंट करवाना है तो मैं बेसिकली इसे प्रिंट कमांड दे देता हूँ, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ, इस सम वेरिएबल को मैं असाइन कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बना लिया पाइथन में, किसी भी दो नंबर को ऐड करने वाला प्रोग्राम। अब मैं जैसे इसे रन करता हूँ, जैसे मैं किसी भी दो नंबर को ऐड करने वाला प्रोग्राम, आप यहाँ नीचे से देख सकते हैं, ये हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया दो नंबर को ऐड करने वाला, जिसमें हम लोगों ने पहला नंबर 6 डाला, एंड अब मैं दूसरा कोई भी दूसरा नंबर डाल देता हूँ 9, और फिर दोनों को ऐड करता हूँ, तो देख सकते हैं सम के नाम से हम लोग का दूसरा नंबर प्रिंट हो गया 15। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पहले के प्रीवियस डेटा जो है, प्रीवियस के जो कोड के जो प्रोग्राम थे वो सारे प्रोग्राम जो है वो रन हुए पड़े हैं। जैसे कुछ प्रोग्राम मैंने लिखा था जिसमें एरर आए थे, वो प्रोग्राम की भी डिटेल्स यहाँ पर है, और पहले जो मैंने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम 3-4 बार एग्जीक्यूट करवाया था उसके भी यहाँ पर डिटेल्स पड़े हैं। तो इससे काफ़ी प्रोग्राम में इनपुट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि कुछ सेटिंग मैं आपको बताऊँ फॉलो करना होगा। वो सेटिंग है कि इसके प्रीवियस आउटपुट को आपको डिलीट करना होगा। तो इसके लिए आप सेटिंग पर जाइए, सेटिंग पर जाना बहुत ईजी, इस गियर वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद सेटिंग पर जाइए या कंट्रोल प्लस कॉमा लगाइए तो आप सेटिंग में पहुंच जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक सर्च करना होगा आउटपुट, आउटपुट के नाम से आप सर्च कीजिए। आउटपुट पे जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आप यहाँ नीचे जाइए, नीचे जाते जाइए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेटिंग मिलेगा क्लियर प्रीवियस आउटपुट, या फिर
कोड रनर भी आप सर्च कर सकते हो यहाँ पर, तो भी आपको ये सेटिंग मिल जाएगा। आप इसको चेक मार्क कर दीजिए। जैसे आप चेक मार्क करते हैं तो आप जब भी नया कोड लिखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको नए प्रोग्राम के ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, आउटपुट देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अब मैं यहाँ पर किसी भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने वाला प्रोग्राम बना देता हूँ। आप देखिए जैसे ही मैं आप प्रोग्राम को रन किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने तुरंत ही आप पहला प्रोग्राम ले लिया है, यानी कि जो भी प्रीवियस के प्रोग्राम में रिजल्ट शो हो रहे थे वो सारे प्रोग्राम्स अब ये नहीं दिखाएगा। अब ये सीधा नया प्रोग्राम दिखाया जिसमें मैंने दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने वाले प्रोग्राम को बनाया है। तो अब मैं यहाँ एक नंबर ले लेता हूँ 67, दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ 45, दोनों को सेपरेट करता हूँ तो 22 आंसर हमारा आ रहा है। तो इस तरीका से आप कुछ महत्वपूर्ण सेटिंग आप विजुअल स्टूडियो कोड में कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब कभी भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग उसको सेव करना भूल जाते हैं, तो इस केस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है जब हम लोग कोड को रन कर देते हैं और वो कोड प्रॉपर रन नहीं होता। तो क्यों ना हम लोग जब कभी भी रन पर क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, यानी कि जैसे रन पर क्लिक करें वैसे ही प्रोग्राम सेव हो जाए और फिर सीधा रन हो जाए। आपको सेव करने का बार बार कंट्रोल एस प्रेस करने का जरूरत ही ना पड़े। तो इसके लिए बेसिकली मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर आप सेटिंग पर जाने के बाद, सेटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप एक सेटिंग को समझिए। यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर सेव टाइप करना है। जैसे आप यहाँ सेव पर टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखता है, सेव बिफोर रन। यहाँ मैं ऑलवेज पर क्लिक करके रखा हुआ हूँ। आपका हो सकता है इन केस कि ये ऑलवेज पर ना हो तो आप यहाँ पर ऑलवेज पर क्लिक कीजिए, यानी जब कभी भी आप रन पर क्लिक करते हैं तो उससे पहले ही आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो चुका हो। ये बहुत ज़्यादा जरूरी सेटिंग है क्योंकि ऐसे में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स के रॉन्ग होने लगते हैं प्रोग्राम, इसलिए क्योंकि वो सेव करना भूल जाते हैं क्योंकि उनका सेटिंग ही गड़बड़ाया है। उम्मीद है आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा। यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्प्लिट स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ स्प्लिट स्क्रीन पर जाते हैं तो आपका जो स्क्रीन है ये दो भाग में बट जाता है, यहाँ पर दो भाग में बट ही जाता है, और साथ ही साथ आप दो कोड को कंपेयर भी कर सकते हैं या फिर आप इसे मल्टीपल स्क्रीन में भी बांट सकते हैं। बहुत बार एक्चुअली में होता ये है कि हम लोग जब कभी भी प्रोग्राम बना लेते हैं तो कहीं पर हम लोग सेमी कॉलन लगाना, तो कहीं पर्टिकुलर वर्ड को ऐड करना, तो कहीं पर्टिकुलर चीज़ों को डिलीट करना, इन सारी चीज़ों को हम लोग की जरूरत पड़ जाती है। तो इस केस में आप चाहे जितना भी मल्टीपल लाइन हो आप विद इन वन क्लिक में सारी चीज़ों में किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर वर्ड या लेटर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली मल्टीपल लाइन एडिटर वाले ऑप्शन पर आपको समझना हो। बड़ा सिंपल है। यदि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप प्रोग्राम लिखे हैं और आपको ये पांचों लाइन में सेमी कॉलन लगाना था सपोज कीजिए, और आप नहीं लगाए जिसके कारण आपका प्रोग्राम में जाहिर बात है एरर आएगा, तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि बड़ा सिंपल तरीका से आपको इन सारी चीजों को समझना हो। इसके लिए आपको क्या करना हो, मल्टीपल लाइन एडिटर वाले फॉर्मूला पर काम करना होगा जो कि अल्ट प्लस कर्सर के मदद से आप मल्टीपल लाइंस को एडिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि ये मैं पांचों लाइन में एडिट करना चाहता हूँ कोड को, तो मैं पांचों लाइन को अल्ट प्लस कर्सर से सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं ये पांचों लाइन को अब मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ अल्ट प्लस कर्सर के मदद से। अब मुझे सेमी कॉलन ऐड करना है तो मैं कॉलन या सेमी कॉलन या फिर जो भी आप ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऐड एक बार में सब कुछ कर दिया। यदि मैं मल्टीपल चीज़ों को हटाना चाहता हूँ तो एक साथ मैं सभी चीज़ों को हटा सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मल्टीपल लाइन को एक बार में एडिट कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक सा सेटिंग जानने के बाद यहाँ मैं आपको कुछ जरूरी चार पांच सेटिंग
अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कितना सेटिंग, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स के बारे में आपको बताने वाला हूं इसके बारे में। तो सबसे पहले कमांड पैलेट को देख लेते हैं। कमांड पैलेट होता क्या है? कमांड पैलेट जो होता है वो वेरियस कमांड को सिंपली एक कीवर्ड को टाइप करके आप एक्सेस कर सकते हैं अपने मेन्यूज को नेविगेट करके, यानी कि अलग अलग कमांड को आपको एक्सेस करने के लिए कमांड पैलेट मिलता है। कमांड पैलेट जो है वो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी पर क्लिक करने के बाद भी कमांड पैलेट आपको मिल सकता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, कीवर्ड शॉर्टकट्स, जिसका यूज करके आप अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप बहुत सारी चीजों को एक साथ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हंड्रेड्स ऑफ चीजें मिलेंगे जिसका यूज करके आप अपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड में आप बड़े आसानी से अपने कोडिंग स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। जैसे यदि आपको कोई कोड में प्रॉब्लम है तो आप ऑटो फिक्स यानी कि शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डॉट इसका यूज करके आप बड़े आसानी से चीजों को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपने कीवर्ड शॉर्टकट को भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डिफॉल्ट ही रखें, क्योंकि इन्होंने यदि चीज़ों को सेट करके दिया है तो कुछ सोच समझ के ही आपको दिया होगा। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी टाइप करने से कमांड पैलेट आपके खुलते हैं, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, आपको ये समझ में आया होगा कमांड पैलेट के बारे में कि कमांड पैलेट क्या होता है। आप देख सकते हैं जब कभी भी मैं कोड यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, मुझे एक्सटेंशंस दिख रहे हैं, मुझे ऊपर नेविगेशन बार दिख रहे हैं, मुझे नीचे पर अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोड करने के लिए। हो सकता है आपको ना कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर कोडर्स को करते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा मोड होता है जैन मोड। जैन मोड में जाने के लिए आप यहाँ व्यू पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको अपीयरेंस का ऑप्शन मिलेगा। अपीयरेंस में जाने के बाद जैन मोड पर क्लिक कीजिए या फिर कंट्रोल प्लस के डॉट जेड। अब यहाँ आप अपने मन पसंदीदा के अनुसार बड़ा आसानी विदाउट डिस्ट्रैक्टेड आप कोड रन कर सकते हैं। बाहर जाने के लिए ESC प्रेस कीजिए, आप एस्केप बटन पर क्लिक करने के बाद इस जैन मोड से बाहर आ सकते हैं। VS कोड में इतना सब कुछ जानने की बात, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीका से आप VS कोड का थीम चेंज कर सकते हैं। थीम से मेरा मतलब है कि किस तरीका से आप अपने VS कोड का एनवायरनमेंट अच्छा कर सकते हैं, यानी कि यदि आप कोई भी लेटर सही से दिख नहीं रहा है, इसका कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप किस तरीके से इन सारे चीज़ों में चेंजेस ला सकते हैं। इन सारे चीज़ों को करने के लिए आप एक्सटेंशन पर जाना होगा और यहाँ पर आपको कुछ पॉपुलर मतलब एक्सटेंशन सर्च करना होगा जो एक्चुअली में थीम ही होंगे। यहाँ मैं आपको बहुत सारे आज थीम आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे थीम्स होते हैं। आप यहाँ पर इन सारे थीम्स को अपने अनुसार से कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आप उसके अनुसार से सेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे थीम्स आते हैं, सबसे अच्छा मुझे जो लगता है वो शेड्स ऑफ पर्पल। ये शेड्स ऑफ पर्पल बहुत ही अच्छा माइक्रोसॉफ्ट का थीम मुझे लगता है, उसमें और भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर आपको सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल करते हो ये कुछ समय के बाद इंस्टॉल हो जाता है, जैसे कि देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो का थीम और भी बहुत सारे थीम्स आते हैं। मैं अभी आपको बहुत सारे थीम्स दिखाने वाला हूँ। मैर को आप यहाँ एक थीम मैर को सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करके इसको यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। एक थीम है रेमेडी, ये जो थीम है ये बहुत ही आपकी वर्क एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। ये देख सकते हैं ये रेमेडी थीम, ये सारे थीम्स आप अपने अनुसार से चला सकते हैं। जैसे एक थीम है विंटर इज कमिंग, ये हमारा विंटर इज कमिंग नाम का थीम है जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। ये थीम ये एक्चुअली में इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता है, बल्कि आपने जो कुछ भी
इंस्टॉल किया है अपने VS Code में। बेसिकली ये एक फंक्शन को परफॉर्म करने में आपका एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा करता है और इस थीम का यही काम होता है। और भी बहुत सारे थीम आते हैं, सो विंटर इज कमिंग थीम जो है वो काफ़ी बेहतरीन आपके सारे कोडिंग के इंटरफेस को, सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से विजिबल बनाता है और बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो आपको ये थीम कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने थीम को यानी अपने विजुअल स्टूडियो कोड के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग पर जाना होगा। यहाँ पर आप फॉन्ट सर्च कर लीजिए, अब देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट के फैमिलीज आपको यहाँ देख सकते हैं। फॉन्ट फैमिली के नाम से फॉन्ट के अलग अलग नाम हैं। आपको यहाँ पर सिंपली इसे कॉपी करना है। माइक्रोसॉफ्ट के एक बहुत ही पॉपुलर फॉन्ट जिसका नाम है कास्केडिया, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ कास्केडिया कोड फॉन्ट या फिर जो भी आप फॉन्ट चाहते हैं यहाँ पर आपको सर्च करना होगा। इसके बाद आपको इसे ओपन करना होगा, यहाँ पर रिलीजेस पर जाना होगा। तो इसके जिप फाइल को आपको इसे सिंपली डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसे डाउनलोड करते हैं आप जहाँ सेव करना चाहते हैं आप इसे सेव कर लीजिए। उसके बाद देर इंतजार कीजिए, ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करेगा। जैसे ही आपका ये फाइल डाउनलोड हो जाता है आपने जहाँ पर डाउनलोड किया है आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करते हो तो आपको तीन फोल्डर मिलेंगे, एक ODF, एक TTF और एक WOF। आपको यहाँ पर TTF पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर कैस्केडिया कोड पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे इंस्टॉल इस तरीके से भी अपने आप एक बार बेसिकली अपने अपने सिस्टम को और भी कवर आप बेसिकली अपने VS Code में एक बार बदल के चल जब आप ये करते हैं तो आपका। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के कुछ बेसिक से चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता था आज के इस वीडियो में। ये वीडियो लेंथी जरूर है लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा दिया होगा। यदि आप चाहते हैं कि VS Code के बारे में और इन डेप्थ जाया जाए, इसके बारे में और भी बातें की जाए, विजुअल स्टूडियो कोड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं आपसे और ज़्यादा बात कर सकता हूँ। यदि आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है शेयर कीजिए, शेयर करना काफ़ी जरूरी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए प्लीज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।